Good day students, welcome to Naz Villa. Today we will be discussing the first chapter of our supplementary reading, The Sermon of the Beautiful White Horse, written by William Saroyan. So here are all the characters. जैसे जैसे stories में characters बढ़ते जाएंगे, I will keep on adding them. और जैसे textbook में story दी गई है, हम बिल्कुल उसी तरह से उसी flow में जाएंगे. अब तक के सारे chapters देखने हों तो you can click the icon here. And you'll get the entire playlist of all the chapters. जैसा हमारे टाइटल में दिया गया है that there is a beautiful white horse in the story. इस स्टोरी के दो मेन कैरेक्टर्स हैं. First is Aram. He is the narrator of the story. वो हमें स्टोरी बता रहा है कि when I was 9 years old, तब मेरे साथ बचपन में क्या इंसिडेंट हुआ था. तब उसकी लाइफ imaginations, mysterious dreams से भरी हुई थी. The second character is Murad. He is 13 years old. वो अरम का कज़िन है और कैरेक्टर वाइज ही इज़ अ लिटिल क्रेजी. थोड़ा सा क्रेजी सा है उसका कैरेक्टर. दिस टू आर आर्मेनियन बॉयज़. आर्मेनिया एक कंट्री है एंड दिस बॉय बिलोंग टू दैट कंट्री. बोथ ऑफ देम आर फ्रॉम अ पुअर फैमिली. दोनों गैरोगैलियन फैमिली से बिलोंग करते हैं. दिस ट्राइब इज नोन फॉर देयर ऑनेस्टी एंड ट्रस्ट. सच्चाई उनका एक हॉलमार्क है. हॉलमार्क यानी उनके जो पूरा खानदान है, उनका जो कुटुंब है, वो इस चीज़ के लिए जाना जाता है. उनकी फैमिली में कोई कभी गलत काम नहीं कर सकता, कभी झूठ नहीं बोल सकता. दे आर वेरी मच फेमस फॉर देयर ऑनेस्टी. एंड दिस स्टोरी इज अबाउट कैसे अरम और मुराद दोनों मिलकर ये जो पुराना ट्रेडिशन चलता आ रहा है ऑनेस्टी और ट्रस्ट का, उसे ब्रेक कर देते हैं. नाउ अरम इज टेलिंग अस द स्टोरी. ये उस वक्त की बात है जब वो 9 साल का था. एक सुबह 4 बजे जब वो अपने बेड पर सो रहा था, उसे अचानक अपने विंडो पे टैपिंग की आवाज़ आई. वो तुरंत ही अपने बेड से बाहर उठ जाता है एंड ही लुक्स आउट ऑफ द विंडो. तब वो देखता है उसका कज़िन मुराद, जो 13 years ओल्ड है और थोड़ा सा क्रेजी है जैसे मैंने कहा था, वो एक ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स पर बैठा है. सुबह के 4 बजे इतना उजाला तो है जिससे अरम को पता है दैट ही इज़ नॉट ड्रीमिंग. फिर भी वो बिलीव नहीं कर पाता है. मुराद उसे कहता है दैट येस यू आर नॉट ड्रीमिंग. अगर तुम्हें हॉर्स पर राइड करना है तो जल्दी नीचे आ जाओ. मुराद जो है वो बहुत ही ज़्यादा लाइवली इंसान है. वो अपनी लाइफ को बहुत इन्जॉय करके जीता है. इस वक्त अरम दो चीज़ें सोच रहा है. फर्स्ट थिंग, पहले तो उसका सबसे बड़ा सपना था एक हॉर्स राइडिंग करना. वो अपने सामने एक हॉर्स को देख रहा है. इट्स वेरी वंडरफुल फॉर हिम. दूसरी बात कि वो लोग एक बहुत पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं. दे हैव नो मनी. उनके पास मुश्किल से फूड के लिए पैसे होते हैं. सो देयर इज़ नो चॉइस कि मुराद के पास इतने पैसे होंगे कि उसने वो हॉर्स खरीदा होगा. सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि शायद वो उसे चुरा के लाया है. मे बी ही हैज स्टील द हॉर्स. ही सेज दैट ही कुड सी इट, ही कुड हियर इट, ही कुड स्मेल इट, बट ही कुड नॉट बिलीव इट. वो रिफ्यूज़ करता है इस बात को बिलीव करने से कि एक गैरोग्लैनियन फैमिली का मेम्बर जो है वो कभी स्टील भी कर सकता है. सो ही आस्क्स हिम वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स. मुराद वही आंसर करता है दैट तुम्हें अगर राइड करना है तो विंडो से बाहर आओ. अब आरम सोचता है दैट एक हॉर्स को राइड के लिए स्टील करना इज़ डिफरेंट दैन स्टीलिंग इट फॉर मनी. वो ये सोचता है हम हॉर्स को बेच थोड़ी रहे हैं, हम तो उस पर राइड कर रहे हैं, तो हमने चोरी थोड़ी की है. वो तुरंत कपड़े चेंज करता है, विंडो से बाहर जंप करता है और मुराद के साथ वो उस हॉर्स पर बैठ जाता है. दे स्टार्टेड राइडिंग द हॉर्स. उनका जो घर है वो टाउन के एज पे था. पास्ड मैनी ब्यूटिफुल सीनरीज ऑफ वाइन यार्ड्स, ऑर्चर्ड्स, इरीगेशन डिचेज एंड कंट्री रोड्स. 3 मिनट में ही वो लोग ऑलिव एवेन्यू पहुँच गए थे और हॉर्स ने शोर मचाना शुरू कर दिया. उसके साथ ही मुराद ने भी गाना गाना शुरू कर दिया. उसका गाना जो था वो बिल्कुल एक रोर की तरह था, लाइक ही वॉज रोरिंग. आरम सेज दैट हर फैमिली में कोई ना कोई क्रेजी पर्सन रहता है और उनकी फैमिली में अंकल खुशराव इज़ द क्रेजी पर्सन. ही इज़ अ लार्ज मैन, हिज हेयर इज़ ब्लैक. उनकी एक मुस्टाच है जिस कंसिडर्ड एज द लार्जेस्ट इन सैन जोक्विन वैली. वो बहुत ही ज़्यादा फ्यूरियस रहते हैं. ही इज़ ऑलवेज वेरी एंग्री. वो हर बात पे सिर्फ एक ही लाइन कहते हैं, इट इज़ ऑफ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट. इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इससे कोई हर्ट नहीं होगा, इस पर ध्यान मत दो. कोई भी कोई आर्गुमेंट करता है तो वो यही कहते हैं हमेशा. एंड आरम सेज दैट मुराद जो है वो अंकल खुशरो पर गया है और इसीलिए वो इस तरह से क्रेजी हरकतें करता है. ही गिव्स एन एग्जाम्पल बाय सेइंग कि एक बार उनका बेटा अरक अंकल खुशरो के पास दौड़ते हुए आया. And he said that our house is on fire. हमारे घर में आग लग गई है. तब अंकल खुशराव बारबर शॉप ने अपने मुस्टाच ट्रिम करवा रहे थे एंड जब उन्होंने ये सुना तो उन्होंने सिर्फ यही कहा, पे नो अटेंशन टू इट, इट इज़ ऑफ नो हार्म. दिस काइंड ऑफ अ क्रेजी एंड केयरलेस पर्सन ही वॉज.
बट मुराद के जो फादर है जोराब, वो बिल्कुल ऐसे नहीं है, प्रैक्टिकल इंसान है। लेकिन एट द एंड मुराद की जो हरकतें हैं वो बिल्कुल उसके अंकल की तरह हैं। सो ऐसे ही मुराद गाने गा रहा है एंड दे आर राइडिंग द हॉर्स। उतने में मुराद आरम को कहता है दैट यू गेट डाउन ऑफ द हॉर्स बिकॉज आई वॉन्ट टू राइड अलोन। सो आरम सामने क्वेश्चन करता है कि क्या तुम मुझे भी अकेले राइड करने दोगे। मुराद सेज दैट इट इज़ फॉर योर ओन सेफ्टी एंड आई हैव अ वे विथ हॉर्स, मीन्स मैं हॉर्स को अच्छी तरह से हैंडल कर सकता हूँ और तुम्हारी सेफ्टी के लिए तुम्हें नीचे उतरना पड़ेगा। जैसे ही आरम नीचे उतरता है, मुराद हॉर्स को एकदम स्पीड में आगे ले जाता है एंड आरम फील्स सो लवली टू सी दिस, और उसे मन करता है दैट ही ऑल्सो वॉन्ट्स टू राइड लाइक दैट। आफ्टर 5 मिनट्स जब वो वापस रिटर्न होता है, नाउ द सन इज़ अबाउट टू कम अप, बट अब आरम की बारी है टू राइड द हॉर्स। आरम हॉर्स पर बैठ जाता है। पहले तो हॉर्स बिल्कुल चलता नहीं है, पर जैसे ही वो उसे किक करता है, द हॉर्स स्टार्ट्स जंपिंग और वो कोई और ही डायरेक्शन में चला जाता है। सो आफ्टर जंपिंग 7 वाइंस, आरम हॉर्स पर से गिर जाता है एंड द हॉर्स कीप्स ऑन रनिंग। मुराद पीछे से दौड़ते हुए आता है आरम के पास। ही सेज आई डोंट केयर अबाउट यू, लेकिन हमें हॉर्स को ढूंढना पड़ेगा, वी हैव टू ब्रिंग हॉर्स बैक। आई विल गो दिस वे एंड यू गो दिस वे, लेट्स फाइंड द हॉर्स। आफ्टर हाफ एन आवर, आधे घंटे बाद वो हॉर्स को ढूंढ लेते हैं एंड दे ब्रिंग द हॉर्स बैक। लेकिन अब मॉर्निंग हो चुकी है, सब लोग उठ गए होंगे। नाउ मुराद सेज दैट या तो हम हॉर्स को वापस रख देंगे या तो हमें हॉर्स को कहीं पे छुपाना पड़ेगा। सो ऑफकोर्स ही डिसाइडेड टू हाइड इट। नाउ आरम नोज दैट मुराद हैज कैप्ट द हॉर्स फॉर सम टाइम एंड मुराद नोज अ प्लेस टू हाइड द हॉर्स। जब वो मुराद से पूछता है तो मुराद सेज दैट तुम्हें किसने कहा कि मैंने स्टील किया है, यू डोंट नीड टू नो एनीथिंग, यानी तुम्हें कुछ जानने की जरूरत नहीं है, ऐसा बोल के वो मैंने तो आज सुबह ही ये हॉर्स राइड किया है, वो उसे चुप करवा देता है। अब वो हॉर्स को छुपा देते हैं इन द बार्न ऑफ डिजर्टेड वाइन यार्ड। वो एरिया बिलोंग करता था एक फार्मर को नेम्ड फेतवाजियम। बार्न एक कैबिन की तरह होता है जहाँ फार्मर्स अपने क्रॉप या एनिमल्स रखते हैं। इट वॉज डिजर्टेड, बंजर था और उन दोनों ने हॉर्स को वहीं छुपा दिया। आरम भी मुराद की तरह हॉर्स को राइड करना चाहता है। वो उसे पूछता है कि काश मैं भी उस लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे पहुँच पाऊँ विद द हॉर्स। मुराद कहता है कि तुम अभी छोटे हो, जब तुम 13 ईयर्स के हो जाओगे दैट टाइम यू विल नो हाउ टू डू इट। दैट आफ्टरनून अंकल खुशरो केम टू आरम्स हाउस। ही वॉज हैविंग कॉफ़ी, ही वॉज स्मोकिंग सिगरेट। तभी वहाँ एंट्री होती है फार्मर की। एट दैट टाइम अ फार्मर विजिट्स देयर होम नेम जॉन बायरो, और वो आके उस आरम की मॉम से कहते हैं दैट माई वाइट हॉर्स वॉज स्टोलन लास्ट मंथ एंड इज स्टिल गॉन, आई कैनॉट अंडरस्टैंड। अब हमें पता चलता है दैट जॉन बायरो इज़ द ओनर ऑफ द ब्यूटिफुल वाइट हॉर्स जिसे मुराद ने चुराया है। और वो अपनी स्टोरी बताते हैं, उतने में अंकल खुशरो इतना इरिटेट हो जाते हैं कि वो ज़ोर से चिल्ला उठते हैं दैट इट्स नो हार्म, व्हाई यू आर क्राइंग फॉर एन हॉर्स, एक हॉर्स के लिए क्यों इतना रो रहे हो। एंड ही सेज अ लॉट ऑफ थिंग्स टू देम एंड ही सेज अ लॉट ऑफ थिंग्स टू हिम। जॉन बायरो भी उनके साथ काफ़ी आर्ग्यूमेंट करते हैं दैट मैंने $60 में ये हॉर्स को ख़रीदा है, मुझे बहुत, मैं इतना दूर से चल के आया हूँ, मेरे पैर दर्द कर रहे हैं। तो अंकल खुशरो ज़ोर से चिल्लाते हैं पे नो अटेंशन टू इट, यानी उस बात पे बिल्कुल ध्यान मत दो। जॉन बायरो इरिटेट होके वहाँ से चले जाते हैं। आफ्टर दिस इंसिडेंट आरम जो है वो तुरंत मुराद के पास जाता है। मुराद एक पीच ट्री के शेड में बैठा है, तो एक यंग रॉबिन बर्ड है उसके टूटे हुए विंग को रिपेयर कर रहा है ताकि वो बर्ड वापस उड़ सके। आरम जो है मुराद को बताता है दैट जॉन बायरो हैड कम टू हिज हाउस एंड एवरीथिंग दैट हैज़ हैपेंड, बट आरम रिक्वेस्ट करता है मुराद से दैट वो उस हॉर्स को वापस ना दे बिकॉज उसे भी राइडिंग सीखनी है। सो मुराद से नो, हॉर्स राइडिंग लर्न करने में उसे 1 साल लगेगा। आरम कहता है दैट प्लीज कीप द हॉर्स फॉर 1 ईयर। सो मुराद से नो, बातों बातों में मुराद उस बर्ड के विंग्स को रिपेयर कर लेता है और बर्ड जो है वो उड़ने लगता है। फाइनली इट वॉज डिसाइडेड दैट दे विल कीप द हॉर्स फॉर 6 मंथ्स। इस बात को 2 वीक्स कम्प्लीट हो जाते हैं। एवरी मॉर्निंग बोथ द ब्रदर्स गो ऑन द राइड विद हॉर्स। लेकिन वन मॉर्निंग जब वो उस डेजर्टेड बर्न में से, तब जॉन बायरो द ओनर ऑफ द हॉर्स उन्हें देख लेते हैं। मुराद सेज लेट मी टॉक, आई हैव अ वे विद द फार्मर्स, मीन्स मुझे बात करने दो, मुझे फार्मर्स को हैंडल करना आता है। जॉन बायरो जो है वो हॉर्स को चेक करते हैं, वो पूछते हैं व्हाट इज़ द नेम ऑफ द हॉर्स। मुराद सेज द नेम माई हार्ट। फिर जॉन बायरो हॉर्स की दांत भी चेक करते हैं एंड ही सीज दैट द टीथ आर सेम हैज हिज हॉर्स, कि वो दांत भी सेम है उनके हॉर्स की तरह। यू माइट थिंक कि वो पकड़े जाएंगे, बट जॉन बायरो कहते हैं कि अगर मैं तुम्हारी फैमिली को नहीं जानता, अगर मैं तुम्हारे पेरेंट्स को नहीं जानता, तो मैं तो तुम पर शक कर लेता। आई स्वेयर आई वुड हैव
थॉट दैट इट इज़ माई हॉर्स, बट बिकॉज ही नोज देयर फैमिली, क्योंकि उनकी फैमिली ऑनेस्टी और ट्रूथ की वजह से जानी जाती है, दैट्स वाई ही डिड नॉट बिलीव कि वो दोनों लड़के जो हैं वो, और वो गुड डे बोल के सरप्राइजिंगली वहाँ से चले जाते हैं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग वो तुरंत ही उस हॉर्स को ले जाके जॉन बायरो के यहाँ वापस रखाते हैं। आरम, मुराद और उनके साथ एक डॉग भी है जो उन्हें फॉलो कर रहा है। सो आरम इज सेइंग कि वो डॉग भाग तो नहीं करेगा। सो मुराद सेज आई हैव अ वे विद डॉग्स, मुझे डॉग्स को हैंडल करना आता है। उसी आफ्टरनून जॉन बायरो आरम की मॉम को अपना हॉर्स दिखाने आते हैं, दैट समबडी हैज स्टोलन इट एंड नाउ दे हैव गिवन इट बैक। अब हॉर्स जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा भी नहीं करता है, उसकी हेल्थ भी बहुत अच्छी हो गई एंड इट इज़ वेरी सरप्राइजिंग। और कोइंसिडेंटली अंकल खुशरो भी वहीं होते हैं। जॉन बायरो की ये बात सुन के उन्हें वो वापस इरिटेट हो जाते हैं और उन्हें जोर से चिल्लाते हैं दैट क्वाइट मैन क्वाइट, योर हॉर्स हैज़ रिटर्न, नाउ डू पे अटेंशन टू इट। और अब अंकल खुशरो के इस डायलॉग के साथ हमारी स्टोरी खत्म हो जाती है। नाउ व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द लेसन, इवन दो इट इज़ अ कॉमिक बेस्ड लेसन, फिर भी हमें इसे ये सीख मिलती है कि कभी भी हमें हमारी फैमिली के रूट्स को नहीं भूलना चाहिए, हमें ऑनेस्टी, सिंसियरिटी, इन चीज़ों को नहीं भूलना चाहिए। तब जब हम ग्रुप में होते हैं हमें पता नहीं होता, स्पेशली वेन वी आर इन इन्फ्लुएंस विथ अदर पीपल, मिस्टेक कर देते हैं, हम इसे कैसे भी जस्टिफाई करें लेकिन जो चीज़ गलत होती है वो गलत ही होती है। अब यहाँ पर आरम और मुराद को अपनी गलती सुधारने का मौका मिला, so they gave the horse back to the owner, but maybe in your real life you may not get the chance to rectify your mistake and we get into trouble. I hope you enjoyed the lesson. I hope this was fun experience for you. Make sure to see all the other chapters also, jiske sare animation videos, question answer solutions sab kuch bana ke rakhe hue hain, that will be helpful to you for your exams. Aur grammar se related jo bhi videos hai unhe bhi check out kar lo, so that you don't miss out anything. If you like the video, do give a thumbs up. If you have not subscribed the channel, do subscribe the channel and share it with your friends, family. I'll see you in the next explanation. Till then.